हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीयू के बारे में, जो कि हमारे लेवल नंबर 4 दैट इज 12th क्लास की IT/ITES सिलेबस में है। इसमें मीयू की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, जो कि हम वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। ये हमारा एक HTML एडिटर है क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेशन नंबर फर्स्ट पे, इंट्रोडक्शन पे। वेब ऑथरिंग टूल हम इसको कहते हैं व्यू को, ठीक है। वेब पेज डेवलपमेंट टास्क के लिए काम में आता है। HTML एडिटर रेफर किया जाता है एज एन वेब ऑथरिंग टूल, जिसके एप्लीकेशंस राइट इन चेक HTML कोड में होते हैं। यहाँ पर पॉपुलर HTML एडिटर्स बताए हुए इन्होंने, अमाया, अडोब ड्रीमवीवर, कॉम्पोजर। उनमें से एक हमारा हम जो पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। अब आ जाओ एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय HTML एडिटर। ये इम्पोर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन पेपर्स में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस जो कि HTML एडिटर प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला एडवांटेज है जनरेट स्टैंडर्ड कंप्लायंट कोड। तो डेवलपर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो कोड्स यहाँ पे HTML कोडिंग की जाएगी वो स्टैंडर्ड कोड के कंप्लायंस में होगा। HTML एंड CSS वैलिडेशन, आपका हर एक कोड जो क्रिएटेड होगा, जो यहाँ लिखा जाएगा, वो एरर फ्री होगा और स्टैंडर्ड्स जो रूल्स डिफाइंड है उनको फॉलो करेगा। जनरेट कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, आपकी पर्टिकुलर जो वेबसाइट आपने बनाई है वो और वेब ब्राउजर्स के थ्रू कंपैटिबल है कि नहीं है, वो वाली रिपोर्ट जनरेट करेगा। स्पेल चेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो करेक्ट करने के लिए आपको करेगा। ऑप्टिमाइज HTML, जो अननेसेसरी कोड है जिसकी जरूरत नहीं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट लोडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, उसको फेन आउट कर देगा। मल्टीपल रेजोल्यूशन ब्राउजर व्यूज, ठीक है, आपकी वेबसाइट मल्टीपल रेजोल्यूशन पे कैसे दिखेगी, अलग अलग ब्राउजर्स पे कैसे कैसे व्यू होंगे, वो सब आपको ये ऑटोमेटिकली चेक करके बताएगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके विद हेल्प ऑफ विच हम अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दे पाते हैं, तो वो भी हमें इसमें एडिटर प्रिपेयर करेगा हमारी वेबसाइट उस चीज़ के लिए। सपोर्ट फॉर एड ऑन, सपोज कि मीयू में आपके वो पर्टिकुलर एडिशनल फीचर्स कैपेबिलिटीज नहीं हैं, हम थर्ड पार्टी से लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। मल्टीपल पब्लिशिंग मेथड, आप जो एडिटर है उसके पास एबिलिटी है कि वो अलग अलग ऑप्शन में आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को पब्लिश कर सकता है FTP वेबटेप में, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब की मेन डेफिनेशन है, जो कि एक फ्री HTML एडिटर है, वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, किसने बनाया है, हमें ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया। अब इसको आप सीखने से पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आप microsoft.com पे जाइए, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब कोड पे क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए उसको, इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट पे प्रोग्राम्स पे क्लिक करके एक्सप्रेशन वेब ओपन कर लीजिए। अब मैंने अपने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप से इसकी स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पर ये सारे टैब्स हैं, टूल्स की बने हैं हमारे पास। अब इन्हीं सब को इन्होंने एक्सप्लेन करके न्यू इंटरफेस बोला है। इंटरफेस में इन्होंने यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। सबसे पहला ऊपर वाला ये मेन्यू एरिया है, देन दी टूल बार, फिर ये टूल बॉक्स है, थर्ड आइकन, फोर्थ आपके पास टास्क पेन है, फिफ्थ एडिटिंग एरिया जहाँ मेन कोड आपका शो होगा, सिक्स स्टेटस बार है, सेवन्थ स्टाइल शीट एरिया है, एंड एट्थ एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट एरिया। ये था आपका सेशन नंबर 1।